हेलो दोस्तों, आज मैं बताऊंगी आपको सैंडविच बनाना। ये देखिए, हमने सामग्री लिया है। हमने पहले जीरा का तड़का लगा दिया है, उसके बाद मिर्चा डाल देंगे। पहले से तेल हमारा गर्म हो गया था। मैश किया हुआ हलवा है, आलू है, हम उसको पहले से बॉयल करके रख लिया था और मैश कर लिया था। जब हमारा मिर्चा और जीरा हल्का सा ब्राउन हो जाएगा तो उसमें आलू डाल के थोड़ा सा हम मार्केट का मसाला डाल देंगे। आप कोई भी मसाला यूज कर सकते हैं, गर्म मसाला हो तो यूज़ कर सकते हैं आप, या तो फिर कोई भी मीट मसाला आप यूज़ कर सकते हैं। सामग्री डालने के बाद हम थोड़ा सा सॉल्ट डाल देंगे अपने टेस्ट के अनुसार। इसके बाद हम सारे सामग्री को मैश कर लेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे मसाले में आलू को। बहुत इजी तरीका है सैंडविच बनाने का। इसके बाद हमने बारीक कटी हुई हरी धनिया डाल दिया है। आपके पास हो तो आप डाल सकते हैं, या फिर नहीं डाल सकते हैं। थोड़ी अमचूर पाउडर हो तो आप वो भी डाल सकते हैं, लाल मिर्च पाउडर हो तो उसको डाल सकते हैं, चाट मसाला भी डाल सकते हैं। बट हमने थोड़े ही कम सामग्री में सैंडविच बनाया है, बच्चों को भी बहुत पसंद आएगा और आप कम टाइम में बना लेंगे। हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर दें। और हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ये देखिए, हमने अच्छे तरीके से भून लिया है। 5 मिनट तक हम इसे अच्छी तरीके से भूनेंगे। ये देखिए, बहुत ही टेस्टी लगेगी सैंडविच। ये देखिए, हमने आलू का जो पेस्ट है वो तैयार कर लिया है एकदम। चलते हैं अब हम सैंडविच बनाने। जब तक हमारा आलू ठंडा होगा तब तक हम ब्रेड को काटेंगे। आप मार्केट आपको ब्रेड मार्केट में आसानी से मिल जाएगी, छोटे बड़े जो भी आपको चाहिए आप ले सकते हैं। देखिए, हमने बड़ा ब्रेड लिया है, इसको हम दो भाग में काट लेंगे, अलग कर लेंगे, दो भाग में कर लेंगे ब्रेड को। इसके बाद जो हमने पेस्ट आलू का बनाया था उसको हम थोड़ा थोड़ा एक साइड में रख लेंगे, ब्रेड के एक भाग पर रख लेंगे। ये देखिए दोस्तों, हम अच्छे तरीके से इसे लगा लेंगे ताकि खाने में बहुत ही टेस्टी आए। ये देखिए दोस्तों, बहुत ही आसान तरीका है सैंडविच बनाने का। अब नाश्ते में बना सकते हैं किसी भी के लिए भी। ये देखिए, हमारा सैंडविच एकदम तैयार हो गया। हमने एक तैयार कर लिया, अब दूसरा भी तैयार कर लेंगे सैंडविच। देखिए कैसे हम इसको बनाते हैं। ये देखिए, हमने नॉन स्टिक तवा यूज़ किया है। हमने मीडियम फ्लेम पे रख के हमने सैंडविच जो बनाया था उसको रख देंगे तवे पर। बिना ऑयल के सैंडविच हम तैयार करेंगे। देखिए दोस्तों, हमारा जो सैंडविच, हम इसे सेक लेंगे अच्छी तरीके से। हमारा एक साइड का सेक गया तो हमने पलट लिया, दूसरी साइड भी अच्छी तरीके से हम पका लेंगे। ये देखिए दोस्तों, हमारा सैंडविच अच्छी तरीके से हो गया है। आप चाहते इसमें चटनी बना के हरी धनिया की लगा के खा सकते हैं, या फिर आपके पास चिली सॉस हो या टोमेटो सॉस हो उसके साथ आप खा सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, हमारा सैंडविच एकदम बन के तैयार है।